वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल बी एस मास्टर सिक्स सोशियोलॉजी दी इंपॉर्टेंट वीडियो लैके मैं हाजिर हाँ। आप चैप्टर कर रहे रिपोर्ट राइटिंग, काफ़ी सारे चैप्टर्स आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट वाला चैप्टर हैगा। तो जिन्होंने चैकआउट नहीं किए चैप्टर चैकआउट जरूर करो, बिकॉज जदों तक तुम वो चैप्टर नहीं समझोगे तो ये चैप्टर नहीं समझ आना, ठीक है। तो आप सोशल साइंस रिसर्च मैथड्स थोड़े पेपर का नाम है, तो उदे विच अपने ये सीखा कि समाजिक खोज किदा करनी है, किहड़े किहड़े मैथड यूज़ करने हैं, किहड़े किहड़े मैथड जिहड़े ने उन्हां दीआं मैरिट्स ते डीमेरिट्स की ने, साइंटिफिकली मैथड दे नाल असीं रिसर्च किदा कर सकते हाँ, ते नाल ही जिहड़ा है सैंपल किदा चुनना, तो सारा जिहड़ा हैगा आपां ए टू जैड किता उहदे विच, ठीक है। सो एंड दे विच जिहड़ी हैगी है सैंपलिंग करन तों बाद, कोडिंग करन तों बाद, डिकोडिंग करन तों बाद, टैबुलेशन करन तों बाद रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। सो रिपोर्ट लिखी जाती है कि असीं की लभ्या, ठीक है, साडीआं फाइंडिंग्स की ने, तो किदा जिहड़ी हैगी है सोशल प्रॉब्लम नूं दूर किया जा सकता है जदों असीं सोशल रिसर्च करते हैं, है ना। क्योंकि सोशल रिसर्च असीं तां करते हैं ताकि कोई मुद्दा कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आउंदी है तद उसनूं दूर करन लई जिहड़ी हैगी है सोशल रिसर्च कीती जांदी है, ठीक है। सो रिपोर्ट राइटिंग एक अहम काम है, रिपोर्ट राइटिंग दे नाल कंक्लूड कर दिता जांदा है, सिट्टे कढ दित्ते जांदे ने। सब तो पहला इंट्रोडक्शन करेंगे, रिपोर्ट लिखना जिहड़ा है सब तो अंतिम है, सब तो महत्वपूर्ण पड़ा हैगा। अध्ययन खोज जिहड़ी भी अध्ययन किया हैगा खोजकर्ता उहदे विच की करता है, इकट्ठी की समगरी नूं जोड़ी भी उन्हें अपनी मेहनत दे नाल इकट्ठी की जाती हैगी है, उसने जोथे जाके अध्ययन किया हैगा जिहड़े भी एरिया दे विच यूनिवर्स दे विच जिन्ने पैसे खर्च किए सब कुछ व्यर्थ जाएगा जे रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है वधिया नहीं लिखी जाती। तो जिहड़ी भी रिपोर्ट राइटिंग होंदी है एक पॉलिशिंग दे वांगू है, उसनू जिहड़ा हैगा बूम अप कर देंदी है, ठीक है। सो रिपोर्ट लिखण लई बहुत ध्यान जिहड़ा है रखना चाहिए हैगा, शब्दावली जिहड़ी हैगी है दूजिआं दे समझ आने वाली होनी चाहिए है, बहुत ही ज़्यादा हाई लैवल की बहुत ही लो लैवल की शब्दावली नहीं यूज़ करनी चाहिए, और तुसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जिहड़ी होरां नू समझ आ जाए कि इहदे विच लिखिआ की है, इस दे विच की समझाउण दी कोशिश कीती है, ठीक है। सो मैं कोई रिपोर्ट कीती हैगी है, मैं कोई रिसर्च की उससे रिपोर्ट राइटिंग लिखी है, तो अगर तुहानू नहीं समझ आएगी तो मेरा लिखन का कोई भी जिहड़ा हैगा तुक नहीं रह जाता, ठीक है। एक चंगी जिहड़ी रिपोर्ट हैगी है उस दे विच खोजकर्ता रिसर्चर जिहड़ा हैगा उहदी सूझबूझ सियाणप नूं जिहड़ी है दर्शाउंदी है, अते जिहड़ा है तैयार किए खरड़े खरड़े होंगे यानी कि खाके नूं नमूने नूं भी दिखाउंदी है। सो रिपोर्ट का मतलब यह होना चाहिए कि प्रभावशाली होवे, दूजा उद्देश नूं भी हल करती होवे, टू द पॉइंट होवे, अते तीजा समाज नूं कोई ना कोई संदेश दे रही होवे। सो किसने कहा, की कहा, किस लई कहा, किहड़े तरीके नाल कहा, किस प्रभाव नाल कहा। सो रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है वह दूजे ते प्रभाव पाउण वाली होनी चाहिए है, दिलचस्प होनी चाहिए है, सिट्टे की प्रमाणकता वैलिडिटी देण वाली होनी चाहिए है, ठीक है। सो इहदे विच की हुंदा है जिहड़ा खोजकर्ता हुंदा लिखती रूप दे विच सिट्टे यानी कि रिजल्ट्स दिंदा है, सुझाव सुजेशंस दिंदा हैगा ताकि समाज सुधार दी योजना जिहड़ी हैगी है वह बनाई जा सके। सो खोज अध्ययन दा रिपोर्ट दा खाका डिजाइन नमूना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम खोज अध्ययन दा जिहड़ा नमूना हैगा वह की हुंदा। देखो एक तां जिहड़ी आपां समाजिक खोज कीती है फर्स्ट चैप्टर हैगा कदम, ठीक है, जिहड़े आपां स्टैप्स कीते ने वह हैगा खोज अध्ययन दा खाका, ठीक है। अगर रिपोर्ट का खाका करना है, डिजाइन करना है, नमूना करना है, तो ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुसीं लिख सकते हो। जे तो पार्ट बी चाहता है तो ये क्वेश्चन लिखना, अगर पार्ट ए चाहता है तो तुसीं फर्स्ट चैप्टर वाला लिखना, तो वह थोड़ा जिहा मोल्ड करके पेपर नूं दे दिंदे ने, ठीक है। सो जो भी कोई व्यक्ति खोज अध्ययन रिपोर्ट नूं पढ़ता तो लाजमी तौर पर उन्हें काफ़ी कुछ पता लगना चाहिए हैगा की किया गया, क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया हैगा, इसके रिजल्ट्स की निकलेंगे। तो रिपोर्ट जिहड़ी हैगी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ होनी चाहिए हैगी है, बहुत ही अच्छे तरीके इलैबोरेट करके बनानी चाहिए है, लभता जिहड़ियां भी साड़ियां फाइंडिंग्स आई हैं सानू रिसर्चर नूं गंभीरता दे नाल लैना चाहिए ताकि अपनी राय बनाई जा सके जिहड़े लोग ने इसनूं पढ़नगे। तो सही व्योंत का सही डिजाइन का खाका होना चाहिए है, लेआउट का मतलब हैगा कि खोज रिपोर्ट विच की कुछ शामिल होना चाहिए है, इहदा कंटेंट की होना चाहिए। सब तो पहला तो प्राइमरी पेजिस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, सब तो पहला तो प्राइमरी पन्नों के उत्ते की लिखना, तो जो भी रिपोर्ट लिखनी है उहदा टाइटल, ठीक है, सिरलेख टाइटल जिहड़ा हैगा, उस तो बाद दे विच उहदा जिहड़ा है प्रीफेस की इहदे विच है या भूमिका दे रूप दे विच एक्नॉलेजमेंट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रीफेस एक्नॉलेजमेंट के मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा, की ये करांगा,
ठीक है। सो ये चीज़ लिखी होनी चाहिए है। फिर अगले पन्ने पर जोड़ा नैक्सट पन्ना है, पहले ही मैं थोड़ा दसदा जो असं रिपोर्ट करते हैं तो प्लस टू के बनाई होएगी सोशोलॉजी जिन्होंने ऑप्ट की होएगी तो उन्होंने पता होएगा कि एक प्रोजेक्ट बनाते होंगे ने सोशोलॉजी के, ठीक है, असाइनमेंट बनाते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो फे टाइटल लिखते हैं, ठीक है, किनू सबमिट कर रहे हाँ, की टॉपिक हैगा, उस तो बाद एक्नोलेजमेंट हो गया, फिर उस तो बाद एब्रीवेशन हो गई है ना, तो कि कुछ जो है कॉन्टेंट जो है टेबल्स इंडेक्स कि कुछ आप लिखते 5-6 पेज आही होंगे ने, ठीक है। सो ये जोड़ा है अंतर वस्तु जो भी कॉन्टेंट हैगा वोदिया सारणियाँ के 1.1 सारणी की दी है, 1.2 सारणी की दी है, 1.3 सारणी की दी है, जो टेबल असं बनाते ना सारणियाँ वो फस्ट थर्ड पेज के उत्ते, ठीक है, थर्ड पेज के उत्ते लिखे हुए होंगे कि 3.1 टेबल की है, 3.2 टेबल के, ठीक है, क्योंकि अंदर असं काफ़ी सारे टेबल बनाए होंगे तो वो पहले ही अपन जेडे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट देखनी है तो फस्ट 4-5 पेजेस तो ही अंदाजा लगा लेंगे ने कि अंदर की हैगा। डायग्रामा की सूची होनी चाहिए है ताकि जड़ा है जिन्हों भी दिलचस्पी हैगी तो मुढ़ले पन्नों तो ही पढ़ के जड़ा है पता लगा जाए कि अंदर जड़ी है केड़ी केड़ी सूचना उन्होंने मिल सकती है, ठीक है। पटियाले का अगर पटियाले की कोई स्टडी है तो पटियाले के बारे की कुछ लिखा हुआ अंदर है ना, पटियाले का नक्शा है, पटियाले के स्थाना के नाम ने, सो काफ़ी कुछ जड़ा है ये लिखा होंगे। अहम विशा समगरी हूँ ये तो अपने पहले पेज हो गए, प्राइमरी पेजिस फिर हो गए इंपोर्टेंट सबजैक्ट मैटर। सबजैक्ट मैटर के की होना चाहिए है क्योंकि सबजैक्ट मैटर के होंगे नवे पन्ने तो हमेशा जो असं लिखते ना तो इंट्रोडक्शन वाला जोड़ा है पहला फस्ट पेज से इंट्रोडक्शन, ठीक है, मोटे मोटे, फिर उस तो अगले पेज से जोड़ा है पूरा कंटेंट जोड़ा है आता है, तो उस तो पहला होंगी है भूमिका। भूमिका का अर्थ हैगा कि दूजे व्यक्तियों नू खोज के विषय के नाल जान पछाण करना कि इंट्रोडक्शन भी ये चीज़ है इदा वो चल रही है, ठीक है, पूरा प्रॉपर लाइक असी पटियाले की कोई स्टडी की तो पटियाले बारे जोड़ा है काफ़ी नॉलेज जी है इंट्रोडक्शन दी जाती है कि पटियाला पटियाले तो स्टार्ट होया जी, ये चीज़ा ने, यदी इन्नी जनसंख्या है, मेल इन्ने फीमेल इन्ने, ठीक है, फिर उस तो बाद हौली 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 प्रॉब्लम के उत्ते आने लाइक पटियाले आईलैट सेंटर के बारे गल कर रहे हैं तो आप आईलैट्स से कि भी पटियाले बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं, यूनिवर्सिटी हैगी है इतने इदा इदा चलता है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन एवं बेरोजगारी करके आइलेट्स करके बाहर जा रही है तो विच मुद्दे भी देखा है ना, सो इदा जी है इंट्रोडक्शन स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो खोज के आते सारांश उन्हूं इन्ना ज़्यादा लंबा नहीं सारांश रूप के देना चाहिए है ताकि जोड़ा है खोज समस्या उसके खोज अध्ययन के संदर्भ के दिता जा सके। सो उस खोज अध्ययन जोड़ा है खोजकर्ता द्वारा परिकल्पनावान सिरजिया गई ने तो उन्होंने भूमिका भी ही लिख देना चाहिए है। सो फर्स्ट चैप्टर जोड़ा है इंट्रोडक्शन का होंगे जी भी असी सोशल रिसर्च कर रहे हैं, टोटल 5 चैप्टर होंगे ने, कई जोड़े गाइड सर होंगे ने 6 चैप्टर टीचर्स करवाते हैं, ठीक है, कई 5 होंगे ने, कई 4 करवाते हैं, ठीक है। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अगर आप एम फिल पी एच डी कर रहे हैं तो खोज रिसर्च कोई असी कर रहे हैं तो वो 5 या 6 चैप्टर होंगे ने। फर्स्ट चैप्टर जोड़ा है पूरा इंट्रोडक्शन का होंगे कि असी की कर जा रहे हैं, ठीक है, किड़े एरिया कर जा रहे हैं, सो पूरी भूमिका जी है इंट्रोडक्शन दिती जाती है। कार्य विधि फिर की किया जाता मैथडोलॉजी लिखी जाती है कि असी जोड़ा है कि मैथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस दृष्टिकोण तो देखा गया है, क्यों देखा गया है, कि तकनीक जी है सूँ ढुकमी लगी, असी केस स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जरवेशन कर रहे हैं, या फिर असी इंटरव्यू कर रहे हैं, शड्यूल कर रहे हैं, या क्वेश्चनियर देने, जो डाटा बहुत व्डा है तो ओबियस गल है कि क्वेश्चनियर करा, ठीक है, अगर सने कुछ ही डाटा इकट्ठा करना है लाइक 50-60 स्टडीज़ ही करनी है तो असी केस स्टडीज़ ज़्यादा चकते हैं, बिच ऑब्जरवेशन मैथड भी यूज़ करते हैं, इंटरव्यू शड्यूल मैथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो खोजकर्ता ने जिहड़ियां भी पद्धतियां मैथडोलॉजी की यूज़ किया है तो उसने प्रश्नावली यूज़ की है, शड्यूल यूज़ किया है तो उसनों जोड़ा है वह इतने लिखेगा कि उसने किहड़े मैथड का प्रयोग किया है ताकि जोड़ा सू समझ आ जाए कि इसने ये जोड़ा है मैथड यूज़ किया, अगर उसने इंटरव्यू ली है तो उस संरचनात्मक है ज स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है ना, तो सैंपल किन्ने लए ने, किहड़े लए ने, मेल्स लई हैं, फीमेल्स लई हैं, या मिक्स लई हैं, बच्चे लए ने, किहड़े लए ने, ठीक है, किवें कीती है चोण, किस चीज़ नूं मद्देनज़र रख के उन्हें चोण कीती हैगी है, सो किहड़ी किहड़ी विधि दा उन्हें प्रयोग किया है, सो की उन्हें किया है, तो ये मैथडोलॉजी हो गया किन्ना सैंपल चुनिया है, किहड़ा स्ट्रैटिफाइड अनस्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग चकी है ना, प्रपोर्शनेट सैंपल चंकी सैंपलिंग की है, तो ये जोड़ा है मैथड पूरा, क्योंकि मैं पिछले तुम्हें दस चुकी हाँ कि सैंपलिंग किदा करते हैं, है ना, तो वह सारा कुछ ये यूज़ हो जाएगा अपने जरा मैथडोलॉजी आप करते हैं। उस तो बाद अध्ययन खेत किहड़े खेत्र च गया, ठीक है, हूँ
लाइक असी अगर पंजाब दे रिलेटेड कोई स्टडी चखनी है तो पटियाले च सब तो ज़्यादा आईलैट्स सेंटर पटियाले च है। तो आप अगर आईलैट्स की स्टडी करनी हैगी है आप उस एरिया चुनांगे जिड़े जिथे बहुत ज़्यादा है ना। तो पटियाला एरिया ही क्यों चुकया हैगा, उसका भूगेल खेत्र किमें समूह समुदाय कि कम्यूनिटी के लोग रेंगे ने, ओबियस सिख कम्यूनिटी रही है ना। सो य सारे पहलुओं का ध्यान किया जाता हैगा। समाजिक आर्थिक भूगोलिक जनसंख्या की बनतर भी दिखाई जाती है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी मैं तुम्हें दस दी कि एक प्रायमरी प्रायमरी और सैकेंडरी सोर्सिज होंगे ने। प्रायमरी हो गए लाइक असी इंटरव्यू लिती किसी की, असी उन्होंने कोल बैठ के उन्होंने नॉलेज लिती। लेकिन सैकेंडरी हो गया बुक्स मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन्हों कहें प्रायमरी सैकेंडरी सोर्सिज न जोड़ा असी पुरानी इन लोगों ने स्टडी की हैगी इस टॉपिक के उत्ते उन्होंने जी है असी रिसर्च चकते हैं पढ़ते हैं कि उन्होंने किदा किदा की सानू जोड़े है वेद महत्वपूर्ण चीज़ा पता लगदी ने, ठीक है। सो जो भी सिट्टे निकलते हैं असी उन्होंने प्रमाणिकता भी सिद्ध करते कि हाँ ये मेरे सिट्टे निकले ने, ये क्यों निकले ने, ठीक है। मैं तो यह सोचा सी लेकिन आ निकले ने, या फिर मैं यही सोचा सी तो यही निकलिया है। मेरी बिल्कुल खोज जी है मैथड जोड़ा है मेरा क्वेश्चन जोड़े ने हाइपोथेसिस जोड़े बनाए से ऑब्जेक्टिव लैके तो बहुत सैट निकले ने, सही निकले ने। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होंगे असी प्रायमरी सैकेंडरी रिसोर्सिज तो जोड़ा है डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। इस दे नाल की हुंदा है साड़ी जिहड़ी खोज हुंदी है वो वधिया होर हो जाती है क्योंकि जिहड़ा है सानू नॉलेज मिल जाती है कि बाकी रिसर्चर्स ने की किया, बाकी बुक्स वाले ने की किया, ठीक है। सो इदा सानू पता लगता है फाइंडिंग्स जिहड़ियां ने उस तो बाद हुंदा है। चैप्टर टू चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर च इंट्रोडक्शन, सैकेंड च मैथडोलॉजी, थर्ड दे विच आ गया साडे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फोर्थ च हो गई साड़ियाँ फाइंडिंग्स, फिफ्थ च साडे हो गए कंक्लूजन, या फिर फोर्थ ते फिफ्थ इकट्ठा ही कर देंदे हुंदे ने, ठीक है। तो चार चैप्टर पांच चैप्टर हुंदे ने। चैप्टर वाइज दसना कि तुसी फर्स्ट चैप्टर च की लिखोगे सैकंड च की लिखोगे। फाइंडिंग्स जिहड़ियां होंगियां कि साने जिहड़ा भी डाटा एनालाइज किया है उदी कोडिंग कीती है, टेबल बनाए ने जी, स्टैटिस्टिक्स कढ़िया हैगा, तां ओह जिहड़ियां हैगे साडियां लभतां की आईयां, की रिजल्ट्स निकले ने, जिहड़े क्वेश्चन असीं लैके चले सी चार पांच की ओह पूरे होए ने, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस लैके उप परिकल्पनावां बनाईयां सी, उपकल्पनावां बनाईयां सी कि वह सैट निकले ने। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि हाइपोथेसिस एक तरह की साड़ी एज्यूमिंग हुंदी हैगी है। जिन्हां ने हाइपोथेसिस वाला चैप्टर नहीं पढ़िया जरूर पढ़ियो क्योंकि इहदे नाल तुहानूं पता लगेगा कि हाइपोथेसिस किहनूं कहिंदे। तां हाइपोथेसिस जिहड़ा हुंदा जदों असीं एज्यूम कर लैंदे हां साडे क्वेश्चन हुंदे ने, सानूं इह लगदा है कि अगर एक क्वेश्चन बनाया कि इस क्वेश्चन दा आंसर जिहड़ा है साडे अकॉर्डिंग साडी परिकल्पना दे अकॉर्डिंग जिहड़ा है इसदा आंसर यह आना चाहिए, ठीक है। पटियाला जिले के सिख कम्यूनिटी ज़्यादा है तो मैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया कि सिख कम्यूनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होएगा ना कि कम्यूनिटी ज़्यादा, तो मैं हाइपोथेसिस बनाया कि सिख कम्यूनिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है सिख कम्यूनिटी अगर ज़्यादा है तो मेरी फाइंडिंग जी है बिल्कुल सही निकली है ना। तो इदा जड़िया होंगे फाइंडिंग्स होंगे, तो यह जी है गैर तकनीकी भाषा च लिखने चाहिए, बिल्कुल सौखे सरल भाषा च फाइंडिंग्स लिखने चाहिए ताकि होर लोगों भी समझ आ जाए। कंकलूजन के हैगा कि आप जड़ियाँ सारिया चार्ट रेखा चित्र आदि यूज़ किए हैं उन्होंने चंगी तरह जोड़ा है पेश करना, व्यवस्थित ढंग पेश करना, उन्हां दी व्याख्या भी करना ताकि जिहड़ा है जिहड़े भी टेबल बनाए ने कि इन्ने परसेंट लोग जिहड़े हैगे ने मेल्स ने, इन्ने परसेंट फीमेल ने, इन्ने मैरिड ने, इन्ने मैरिड ने, तो उन्होंने लाइनों के भी डिस्क्राइब करना ताकि जिहड़ा है सारनियां पढ़ के जिन्होंने नहीं समझ आया उन्होंने नीचे पैरा पढ़ के जिहड़ा है समझ आ जाए। तो रिपोर्ट के सानू जिहड़ा है जरूरी लिखना चाहिए ताकि प्रेजेंटेबल हो जाए साडी रिसर्च। उस तो बाद समरी एंड सुजैशनस, समरी तो सुजैशन के समरी का मतलब की होंगे कि सार, ठीक है। सुजैशन का मतलब सुझा कि अपन उसदियाँ अपने वर्क दियाँ सीमावं कि असी ये चीज़ नहीं कर पाए, कार्य विधि असी कि मैथडोलॉजी यूज़ की है, किन्ने चैप्टर असी लिखे ने, कंकलूजन असी की लिखे। तो यह जड़ा है रिपोर्ट राइटिंग का जोड़ा सार समरी वाला कंकलूजन वाला जोड़ा चैप्टर है वह सब तो एंड वाला होंगे। ये सार से चर्चा की जाती है, पूरी समरी जो भी असी किया है पूरे तीन चार चैप्टर पिछे वो सारा ये असी कंकलूड करके चलते हैं, ठीक है। सर्वे के दौरान जो सू प्रॉब्लम्स आई जो असी नहीं कर पाए है ना, अगे इन फ्यूचर करना चाहते हैं या फिर जो कोई स्टडी पढ़ रहा वह करना चाहता है तो उन्होंने सुजैशन दिए गए होंगे। तो बिबलियोग्राफी
एंड च जड़ियाँ रेफरेंसिज होंदिया ने, ठीक है। सो APA स्टाइल चल रहा है, तो यह संखेप तो बाद जो हों अगला पड़ा हों पुस्तक सूची का, जो जो असी जे जे रिसर्चर दियाँ बुक्स पढ़िया ने, जो भी मैगजीनस दियाँ पढ़िया ने, जो भी असी आर्टिकल पढ़े, जो भी असी जर्नल पढ़े, जो भी विकीपीडिया के उत्ते विजिट करे, एक्सेस कितियां साइट्स, वो सारिया साइट्स जिहड़ियां ने जिते अखबार तो डाटा लिया, कोई दस्तावेज लिया, ठीक है। लाइक मैं अपनी स्टडी की सी, तो मैं सर्व सिक्ख्या अभियान वाले ते कीती सी, बिकॉज जिहड़े हैगे मैं सेकेंडरी सी स्कीम्स दियां देखियां सीगियां कि स्कीम्स चल रही ने पटियाले दे विच, तां ओह पिंडां ते शहर दोनों स्कूलों के बच्चों नूं पेरेंट्स नूं उहनां नूं पता है जिहड़ियां स्कीम्स आउंदियां ने, है ना। तो सेकेंडरी स्कूल दे विच क्यों पाते हैं सरकारी स्कूल च बच्चे, तो मैं जिहड़ा है सर्व सिक्ख्या अभियान के रमसा वाले के दफ्तर गई, तो दो तीन थावां ते विजिट किया, डाटा लिया, है ना, पिछे जिहड़ियां स्टडीज़ होईयां सी ओह पढ़िया, तो इहदे विच जिहड़ा है मैं पूरी जिहड़ी है साइट्स जिहड़ियां जिहड़ियां विजिट कीतियां, बिकॉज ओरिजिनल जिहड़ियां गवर्नमेंट दियां साइट्स ने उन्होंने भी आप एक्सेस करते हैं डाटा लैन लई, है ना। पंजाब हुण जिवें पटियाला की कोई स्टडी करें तो पटियाला की साइट जी ऑफिशियल साइट आप विजिट करांगे, उतों डाटा लवेंगे कि किन्ने लोग रहिंदे ने, किन्ने मेल्स कीमेल किन्ने फीमेल्स, है ना। सो कोई भी कंप्यूटर तो डाटा लिया, दस्तावेज लए ने, रसाले लए ने, जर्नल लए ने, तो वह जिहड़ा है असीं नीचे रेफरेंस च बिबलियोग्राफी च पाउंदे आ। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी अंतिका होंदी है, ठीक है। सो जो साड़ी रिपोर्ट समाप्त हो जाती है तो असी जिहड़ी हैगी है जो भी क्वेश्चनियर वगैरह पूछा है तो उन्होंने असी अपेंडिक्स के विच कहने, लाइक कोई भी क्वेश्चनियर भेजे उन्होंने या फिर इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू च किहड़े क्वेश्चन पूछे ने वो अपेंडिक्स च शामिल आ जांदे ने, बाकी कुछ नक्शे हो गए, शड्यूल हो गए, है ना, असी जिहड़ा हैगा पिछे अपेंडिक्स उन्होंने पा दें। तो चंगी रिपोर्ट दियाँ विशेषतावां कीड़ियाँ होंदियां ने, सब तो पहले तो विषय की पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए है कि रिसर्चर जिहड़ा है रिसर्च स्टार्ट करते उसनूं जानकारी होनी चाहिए है, उसने किहड़ी किहड़ी चीज़ जिहड़ी है ध्यान च रखनी है, किहड़ी शब्दावली यूज़ करनी है, तकनीकी शब्दावली औखी शब्दावली तो परहेज करना है। विषय वस्तु का तार्किक विश्लेषण, तो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर उन्होंने होना चाहिए है, क्योंकि उसने जड़े भी सिट्टे कढ़ने ने वो पेश करने, तो एक आदर्श रिपोर्ट जी है उसनों पेश करनी पैंदी है, क्रमबद्धता दे विच सीक्वेंसिटी दे विच, इदां नहीं है कि पहला जिहड़ा है पहले चैप्टर च कुछ होर लिख रहा है, सैकंड चैप्टर च कुछ होर लिख रहा है, स्टैप वाइज स्टैप जिहड़ा चलना कि फस्ट चैप्टर दे विच हो गया इंट्रोडक्शन, सैकंड विच मैथडोलॉजी, थर्ड दे विच जिहड़ी हैगी अपनी ये पता कर सकता है कि हाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर थर्ड चैप्टर च लिख सकता है, फोर्थ चैप्टर दे विच जिहड़ा हैगा फाइंडिंग्स हो सकदी है, तो इदां जिहड़ा है सीरियल वाइज चलना चाहिए। ओरिजिनैलिटी ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की मौलिकता जिहड़ी है कि रिपोर्ट पढ़ के ही, रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ के ही सानूं रिजल्ट्स का पता लग जाए, फर्स्ट चैप्टर तो ही सानूं पता लग जाता है, ठीक है, जिहड़े इंडैक्स के पेजिस होंगे ने पहले चार पाँच पेज उन्हां तो पता लग जाए, पिछले पेज तो सानूं पता लग जाए अपेंडिक्स के विच कि पूछा गया हैगा, तो पूरे 500 पेज पढ़न की बजाय जिहड़ी साडी रिसर्च के 500 पेज हैं 400 पेज हैं उन्हों पढ़न की बजाय जिहड़ा है पहले ही 5-6 पेजा तो पिछले पेजिस तो पता लग जाना चाहिए। रिपोर्ट की लंबाई इन्नी क लंबाई होवे कि बहुत ही प्रजेंटेबल स्पष्ट तरीके पेश कर दी जाए, पर इन्नी संखेप भी नहीं होनी चाहिए कि जल्दी ही पढ़ ली जाए, तो मतलब एक ऐसे उदेने विच होनी चाहिए है कि पढ़न च दिलचस्पी होवे, बहुत ज़्यादा लंबी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए, बहुत छोटी भी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण सारांश जिहड़े ने इसनूं प्रजेंट करने लिए, देखो कोई भी रिसर्च करते हो उसनूं ग्राफ डायग्राम चार्ट पाई चार्ट हो गया स्टैटिस्टिक्स टेबुलेशन कोडिंग लई दे नाल सजाउणा चाहिए है, मतलब यूज़ करना चाहिए हैगा, तां कि जिहड़ी है आराम नाल जानकारी पाई चार्ट्स वगैरह ग्राफ देख के ही चार्ट देख के ही पता लग जाए। खाका जिहड़ा है, सो लेआउट जिहड़ा आपां पिछे पढ़ के हटे हाँ कि मंतवां दे अकॉर्डिंग होना चाहिए है, सो समझ के डिज़ाइन जिहड़ा है सानू रिसर्च का बनाना चाहिए है। इंडैक्स जिहड़ा है, इंडैक्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा कि निशानदेही करनी कि असी जिहड़ा है रिपोर्ट दे विच किन्ने पेजिस लै रहे हैं, किहड़े पेज ते की है, सैकेंड पेज ते की है, थर्ड पेज ते की है, तो पूरा जिहड़ा 1 to 40 पेज तक की है, तो जिहड़े जिहड़े पेज से लाइक एक पहले पेज के उत्ते इंट्रोडक्शन हैगी है, सैकेंड पेज से कोई टेबल आ गया, तो सानू जिहड़ा है पूरी पिछे जिहड़ा है इंडैक्स के विच फ्रंट से सॉरी तो फ्रंट से सानू इंडैक्स के विच ये सारिया चीज़ा जरूर जिहड़ा है नंबर ला के लिखनिया चाहिए कि फस्ट से की है, सैकेंड से की है, थर्ड से की है, टोटल 500 पेज से अगर लिखे ने तो उत्थे उत्थे की है सीमावां नूं दर्शाना। फिर रिपोर्ट दे विच जो असीं समरी लिखते हैं तो इहदियां कठिनाइयां जिहड़ियां सानूं प्रॉब्लम आईयां जिहड़ियां साडियां लिमिटेशनस ने असीं की नहीं कर पाए, तो यह कठिनाइयां तो जिहड़ा है सानूं अगले रिसर्चर नूं दसना चाहिए हैगा समरी दे विच, क्योंकि वह जरूर पढ़ता हैगा सारे चैप्टर आपां पढ़दे हुंदे हैगे आ,
ठीक है, अगर मेरी रिसर्च कीती है कि तो वो कोई पढ़ेगा तो उस दे बारे जड़ी है मैनू कंडीशनस फेस करनिया पईयां ने तां ओह जड़ा है उन्हां कंडीशनस नू नहीं फेस करेगा। तो सीमावां जड़ियां है जरूर दर्शाउणियां चाहीदियां ने उहनू दूर करन दे तां कि जड़े है नैक्सट रिसर्चर ओह यतन कर लवे। सिद्धांतां अते संकल्पां नू विकसित करना, खोज दा अंतिम मंतव की हुंदा सिद्धांत अते संकल्प नू विकसित करना, क्योंकि बड़े ही अर्थ प्रदान करके इसनों लिखना चाहिए है अते समस्यावां दे बारे जड़ा है जानकारी प्राप्त अगले कैंडीडेट नूं दे देनी चाहिए है। सो ज्ञान दा प्रसार करन विच खोज बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदी है अते काफ़ी सारी समस्यावां विषयां प्रश्नां दे वल संकेत करती हैगी है, तां खोज कार्जां नूं सेध दिंदी हैगी कोई भी रिपोर्ट राइटिंग हैगा अते अगला कोई बंदा हैगा रिसर्चर तां उसनों परिकल्पना बनाने दे विच मदद करदी है। हुण देखो रिपोर्ट राइटिंग करदे आ तां रिपोर्ट राइटिंग दा मतलब है कि रिपोर्ट तैयार करन च समस्यावां की आंदियां, देखो खोज करना उस तो बाद च उसनूं इन्ने सारे स्टेजिस ते लैके आना उस तो बाद च एंड च उहदी रिपोर्ट करनी रिपोर्ट राइटिंग करनी इन्ना आसान काम नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग करन दे विच इन्ना आसान काम नहीं हुंदा, इहदे विच काफ़ी कुछ जिहड़ा है पड़ावां दे विच सानूं लंघना पैंदा है, काफ़ी सारे क्वेश्चनां दा आंसर सानूं इहदे विच देना हुंदा हैगा, काफ़ी सारियां समस्यावां दा सानूं जिहड़ा है सामना करना पै सकदा है। इक तां प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज जिहड़ी हैगी है जे तां बहुत लो लैवल दी लिखांगे तां नी नी लगेगी, अगर हाई लिखांगे तां बहुत हाई लगेगी, तां लोकां नूं समझ नहीं आएगी। तां भाषा जिहड़ी है बहुत ही अच्छी स्टीक भाषा यूज़ करनी चाहीदी है, बहुत ही घट तकनीकी शब्दां दा यूज करना चाहिदा हैगा, ठीक है। तो भाषा की समस्या वैसे तो आँदी है पर फिर भी ज़्यादा ना आए तो इस गल का ध्यान रखना चाहिए है। गंभीरता की समस्या, तो गंभीरता मतलब कि खोज कारज जी है बहुत औखा काम है, रिपोर्ट राइटिंग वो तो भी औखा काम है, तो रिपोर्ट राइटिंग जड़ा है अगले लोगों ध्यान से देख के ही रखनी चाहिए है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट तैयार करती मैं खोज करती लेकिन अगर वो अगलियां नूं समझ नहीं आ रही जिन्हों का यही सेम टॉपिक हैगा या इस तो थोड़ा जहा डिफरेंट हैगा तो मतलब कोई भी फायदा मेरी रिसर्च का नहीं होएगा। सो इस करके जड़ा है थोड़ा जहा हाई स्टैंडर्ड इहदा रखना चाहिए है सानू, अते प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी है सानू दूर करन दी कोशिश करनी चाहिए है, अते ऐसी फाइंडिंग्स देनियां चाहिए ताकि नैक्सट रिसर्चर जो साडा पढ़ रहे ने वर्क उहनू समझ आ जाए। तकनीकी शब्दों की समस्या, हुण काफ़ी सारिया जिहड़ियां तकनीकी शब्दावली बिना मतलब कि गल्लां अर लिखिया जांदियां ने वो शक्की होंदियां, सो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो जिहड़ी भी शब्दावली यूज़ करनी हैगी है वो बहुत वधिया तरीके नाल यूज़ करनी चाहिए है, ठीक है। अते उन्हां दे जिहड़ा है जिहड़ी भी असी यूज़ कीता है तो उसका जिहड़ा मीनिंग भी है वह भी जरूर लिखना चाहिए है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी की समस्या बहुत आती है क्योंकि असी रिपोर्ट नूं सच्ची पूर्ण बिना निरपक्ष अते विज्ञानिक लिखना हैगा तो हो सकता है बायसनेस इहदे विच आ जाए ऑब्जेक्टिविटी इहदे विच आ जाए, तो ऑब्जेक्टिविटी जरूर रखनी चाहिए है। इदा नहीं है कि सानू असी चाहते सीगे कि हाँ असी यह आंसर साढ़े आने चाहिए ने तो असी उवें ही झूठी सुठी रिपोर्ट मैनीपुलेट करके दे दी है, पर इदा नहीं करना चाहिए है। जो भी एक ऑब्जेक्ट दे वांगू समझना चाहिए हैगा, अपने आप नूं बाहर रखना चाहिए हैगा रिपोर्ट तो, कि मैं अगर रिपोर्ट लिखना तो मेरे जिहड़े विचार ने उहदे विच किसी भी तरह नाल नहीं आने चाहिए, अगर मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चनों का आंसर नो है तो वह नो ही रहे, उन्होंने यस बनाने की कोशिश ना की जाए, है ना। जिहड़े फ्रंट पहला आपां हाइपोथेसिस लैके चलते हैं, हो सकता है अपने सारे ही हाइपोथेसिस नो दे विच आण, है ना, रिजल्ट्स कुछ होर आण, तो इदा नहीं है कि आपां मैनिपुलेट करिए। तो इस करके जिहड़ा है क्योंकि अगर आपां सिख कम्यूनिटी लाइक मैं सिख कम्यूनिटी चाँ तो मैं सिख कम्यूनिटी के उत्ते अगर कोई रिसर्च कर रही हाँ हो सकता है कि मेरे जवाब यस हो हाइपोथेसिस लेके आंसर नो आए, तो इदा नहीं है कि मैं अपनी रिसर्च सही करन लई जिहड़ा है उसनू यस च बदला, ठीक है। तो मैनीपुलेशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ कंसैप्ट, संकल्पां दी समस्या, समाज विज्ञान दे विच की हुंदा हैगा कंसैप्ट दी अजे बड़ी घाट हैगी है, कुछ ऐसे क्योंकि अद्धी अधूरी जानकारियां वाली रिसर्चिज होंदियां ने, सो प्रॉब्लम ऑफ कंसैप्ट बड़ी चल रही हैगी है, सो समस्या जिहड़ी हैगी है बहुत ज़्यादा होंदी है कि पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होंदी, सच नूं बयान करन दी समस्या बहुत है कि सच्चे तौर दे उत्ते जिहड़ी हैगी है रिसर्च नूं नहीं पेश कीता जांदा, रिपोर्ट करन लगे सच दी बयान करन दी समस्या जिहड़ी हैगी आ उह पेश हो जांदी है। लाइक अगर असी पुलिस अधिकारियां दे विच करप्शन दा अध्ययन करदे हां तां हो सकदा है जिहड़ी असी यह चीज़ ना पेश कर पाइए, है ना, जे सच्चाई पेश करती तो झूठे केस च भी असी फस सकते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है सच भूलण की। उस तो बाद खोज रिपोर्ट का महत्व, देखो
खोज रिपोर्ट का मतलब की है कि कोई भी खोज की असी किन्ने सारे मतलब चैप्टर्स के थ्रू लंघे, किन्ना कुछ असी किया, उस तो बाद असी रिपोर्ट लिख रहे हैं। रिपोर्ट के ज्ञान का प्रसार होंगे, क्योंकि मैनू जो फील होया मैं लिखिया, ठीक है, असली ज्ञान मैं प्राप्त किया। इस दे नाल जिहड़ी भी रिपोर्ट मेरी पढ़नगे उन्हां दा वी ज्ञान दा वाधा होएगा। तो परिकल्पना दा आधार हुंदा है, बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस हुंदा है, परिकल्पना निर्माण दा आधार हुंदा है, क्योंकि लोकां दे विच अनेक धारनावां हुंदियां ने, रिपोर्ट पढ़ के जिहड़ा है उन्हां दी खोज दा आधार बनदा है, ठीक है। पूर्व अध्ययनां दा ज्ञान, सो आपां रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो पुराने जिहड़े लोग कर चुके ने इस खोज के उत्ते, जिहड़ी मैं करना चाहनी हाँ, तो आपां नूं पूर्व अध्ययन का भी ज्ञान हो जाता है। मैथड्स जिहड़े ने बड़े मैथडोलॉजी के नाल असीं चलते हैं, वरतियां गईयां विधियां का विस्तार पूर्वक, क्योंकि हुण रिपोर्ट अगर मैं कर रही हाँ, है ना, मैंने खोज की है, मैं रिपोर्ट राइटिंग कर रही हैगी, तो मैं जिहड़ा है जिहड़े मैथड यूज़ किए ने सारा कुछ टैक्नीक्स मैं दसांगी। उस तो बाद जिहड़ा अगला पढ़ेगा वह यही मैथड यूज़ करेगा, इस तो अलग करने की कोशिश करेगा, है ना। सो इदा जिहड़ा है ज्ञान दे विच वाधा हुंदा है, मैथडोलॉजी पता लगती है, रिसर्च प्रोसैस के बारे पता लगता है, क्योंकि लिखित वर्णन हुंदा हैगा इहदे विच, सारी खोज के उद्देश की ने, प्रकार की ने, प्रकृति की है, समस्यावां, सारे कुछ का पता लगता है रिपोर्ट राइटिंग दे विच, ठीक है। अते सोशल डिवेलपमेंट जिहड़ी भी सरकार हुंदी है वह इन्हां ही रिसर्चिज नूं चकदी है कि कीड़ी कीड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो सुधार दे सुधार नूं मुख रख के जिहड़ी है आपां कोई खोज करदे हां, ते जदों रिपोर्ट राइटिंग हुंदी हैगी तां सरकार जिहड़ी है इन्हां रिपोर्ट्स नूं पढ़दी है, तां उपयोगी बहुत ज़्यादा हुंदी है, समस्यावां दा हल कीता जा सकदा है, क्योंकि रिपोर्ट दे नाल की हुंदा हैगा, असीं कोई भी अगर सानूं प्रॉब्लम आ रही है उसनूं जिहड़ा है दूर कीता जा सकदा है। उस तो बाद है सैल्फ सैटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि सानू हुंदी है, क्योंकि रिपोर्ट लिखन खोज तो स्टार्टिंग तो लैके एंड तक रिपोर्ट राइटिंग दे विच काफ़ी मेहनत लगती है, तन लगता है, बहुत समा लगता हैगा, अते फिर उस तो बाद प्रकाशन हुंदा हैगा, पब्लिश हुंदी हैगी जिहड़े भी असी रिसर्च कीती हैगी है, तो बहुत सारिया कोशिशां कीतियां जांदियां ने, ठीक है, टीचर्स करदे ने, बच्चे करदे ने, है ना, काफ़ी सारे रिस्पोंडेंट्स दा परस्पेक्टिव देखा जांदा, सो तां जिहड़ी हैगी रिपोर्ट जिहड़ी है एंड दे विच पब्लिश की जाती है। सो बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन जिहड़ा हुंदा कि हाँ मैंने एडा वड्डा काम किया है। सो फिर उसनू उस तो बाद की हुंदा है, गवर्नमेंट देखती हैगी है या फिर कोई सोशल वेलफेयर वाले देखते हैं, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा समाज के सुधार करने की कोशिश करते हैं। सो इसी अज का वीडियो ये थोड़ी सोशियोलॉजी के चैप्टर एंड हो गया, मिलते हैं आप नवे वीडियो के नाल, नवे सब्जेक्ट के नाल, धन्यवाद।